हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन ओवर हेयर्स इज कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑप्शन ए इज नाइट्रोसोमोनास ऑप्शन बी इज नाइट्रोबैक्टर ऑप्शन सी इज रोडोस्पायरिलम एंड लास्ट ऑप्शन इज क्लोरोबियम नाउ हमें कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है इन सभी ऑप्शंस में से और बताना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से बैक्टीरिया कीमो सिंथेटिक है और उनको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है लेट्स सी की सो अगर हम कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस से नहीं कर, करते यूज करते हैं लाइक ऑर्गेनिजम्स विच बिकॉज इनमें जो है क्लोरोफिल पिगमेंट्स अप्सेंट होते हैं तो ये अपनी एनर्जी को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑप्टेन करते हैं ऑर्गेनिज्म विच ऑप्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम इन ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल को यूज़ करके ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं और उसको ऑर्गेनिक सबस्टांस में कन्वर्ट करते हैं अब इनमें जो हैं इनको लाइट की नीड नहीं होती है ड नॉट रिक्वायर लाइट बिकॉज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है फोटो सिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता नॉट परफॉर्म फोटो सिंथे अब अगर हम इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो लाइक एनएच थ्री हो गया हमारा और हाइड्रोजन सल्फर सो so, ये सब एग्जाम्पल होते हैं हमारे हाइड्रोजन सल्फर सल्फाइड ये सब पाए जाते हैं हमारे इन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स में अभी अगर हमें देखना है ऑप्शंस की तरफ कि की, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनमें से कौन से हैं सो so, सबसे पहले हमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दिया है so, नाइट्रो सो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये दोनों भी क्या हैं नाइट्रिफैंक बैक्टीरिया हैं नाइट्रोबैक्टर ये है हमारे नाइट्रिफैंक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीडेशन करते हैं अब ये ऑक्सीडेशन करते हैं हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इन ऑर्गेनिक मौलेक। मौलेक। को ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं और उसका ऑक्सीडेशन के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं यहाँ पर हमारा जो अमोनिया हो गया ये होता है हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इसको कन्वर्ट करते हैं ये नाइट्रेट में नाइट्राइट में पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और देन उसको फिर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करके सो so, हमें जो यहाँ पे बताया गया है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमको आइडेंटिफाई करना है सो so, ये दोनों भी क्या है हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अब रोडो की अगर हम बात करते हैं तो ये एक नॉन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इसकी अगर हम बात करते हैं रोडोस्पायरिलियम अब रोडो स्पायरोलियम जो है एक एनारोबिक बैक्टीरिया है लाइक इसको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है एनारोबिक के अलावा ये जो है ये आता है कैटेगरीज में जिसको हम कहते हैं पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया ये जिसमें सल्फर भी एबसेंट होता है तो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया रोडो स्पायरोम के अलावा रोडो रोडोसुडोमोनास भी इसी कैटेगरी में आता है तो मेनली ये जो है ये कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं है ये पर्पल नॉन सिंथेटिक बैक्टीरिया डेट्स वाइ इसको हम कैटेगरीज से रिमूव करते हैं अब नेक्स्ट है हमारा क्लोरोबियम क्लोरोबियम की अगर हम बात करते हैं क्लोरोबियम जो है एक एरोबिक बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक होने के साथ साथ ये है ये बिलोंग करता है जीनस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लाइक like ये कैसे परफॉर्म करता है अपना प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके ये अपना जो एनर्जी है वो ऑप्टेन करता है सो so, हमारा बस ऑप्शन वन और टू ही करेक्ट है यहाँ पर और फॉर डेट हमें जो मैच पेयर मिल रहा है ऑप्शन बी है डेट नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर जो कि नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया है वो क्या है एक कीमोसिंथेटिक बैक्टेरिया है इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल से अपनी एनर्जी को ऑप्टेन करती है सो फॉर डैट रीज़न जो हमारा ऑप्शन बी है ये क्या है करेक्ट है द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू